यार 15 दिन हो गए यार, पूरा चैनल ही डेड हो जाएगा। तबीयत ठीक हो तो वीडियो डालू ना। अबे चुप, तू पहले दवाई ले और सो जा। ओके, तो अब बारी आती है लास्ट डेयर की। देखो भाई दीपू, तुम्हारे लिए डेयर ये है कि रोस्ट अ यूट्यूबर विद मोर देन 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि टेक्निकल गुरुजी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तू नहीं कहीं सोचेगा नाम। टेक्निकल गुरुजी के अलावा कोई भी 20 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर का तेरे को रोस्ट करना है। एंड वो नहीं थंबनेल में बस उनका टाइटल में नाम डाल दिया, क्लिक बेट कर दिया, वो नहीं, प्रॉपर रोस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, ये वीडियो स्वयं रोस्टिंग के देवता कैरी मिनाटी पर है। दो चीजें देखो, ट्रिगर भाई ने मेरे को सिर्फ डेयर दिया था, उन्होंने नहीं बोला था कि भाई कैरी को रोस्ट कर। तो यार प्लीज इस वीडियो के बाद कुछ भी उनको मैसेज वैसेज हेट वेट मत देना प्लीज। और दूसरी बात ये कि तुम लोगों को भी पता है कि आप कौन भी कैरी भाई का फैन है। तो यार मैं ऐसे ही मजाक में रोस्ट कर रहा हूँ, एक फ्रेंडली रोस्ट, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग फिर भी मुझे गालियां दोगे, इट्स ओके। लेकिन अब तुम लोग ये सोचो कि अगर सिर्फ मैं मजाक ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में गालियां दोगे, तो यार दूसरे लोग क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे कि देखो कैरी के फैंस कितने इमेच्योर है यार, मतलब उनको पता है कि मजाक कर रहा है फिर भी गालियां दे रहे हैं। तो वही यार, तुम लोग नहीं चाहते ना कि कैरी का नाम खराब हो, तो यार इस वीडियो को सपोर्टिंगली लो। तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो उसी पे है जिसका ये इंट्रो है। देखो ना क्या दिन आ गए, आज उस चैनल पे कैरी का रोस्ट होने वाला है जो चलाई कैरी के नाम पे। बताओ क्या दिन आ गए, आज कैरी को रोस्ट भी कौन कर रहा है? खुद कैरी का क्लाउन गुटका सिंह ने मेरा रोस्ट हो रहा है। भोसड़ी का वर्ड यूज किया, सॉरी कैरी भाई, तेरे आने वाले वीडियो की स्क्रिप्ट लीक कर दी। ये मजाक कर रहा है कैरी भाई, आप जिसे रोस्ट करते हो ना, वो गुस्सा, वो एग्रेशन, मजा आ जाता है। हाँ, जोर से चिल्ला के गाली देने से फनी तो हो ही जाता है ना कैरी भाई? छोड़ो ये चूपा है। हाँ, कैरी भाई का फैन जो हूँ, चूपा तो हूँ भाई। ओ कैरी का फैन मैं हूँ, तू नहीं है साले। दीप 2021 है ये, लोगों को पता है कि तू और मैं दोनों एक ही है। अरे यार मेरे को नहीं खेलना अब। देखो कैरी भाई पहले से फेमस थे, लेकिन जब YouTube वर्सेस TikTok हुआ, तो मेरे दोस्त के मोबाइल की शॉप पे काम करने वाला चिंटू भी कैरी भाई का फैन बॉय बन गया। बस वो कैरी मिनाटी को चेरी मिनाटी बुलाता था। खैर अब कैरी भाई पहले की तरह जल्दी वीडियो नहीं डालते, अब कैरी भाई टाइम लेते हैं और ट्राई करते हैं कि वो अपनी पुरानी वीडियो से भी ज्यादा अनफनी वीडियो बनाए। खैर कैरी भाई जब भी टिकटॉक को रोस्ट करते हैं यार, मेरे को तो मजे आ जाता है यार। शायद तुझे नहीं पता, पर पब्लिक को ये ऐप कैरी ने ही भेजा था। जुतारे एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं, एक बहुत ही फन ऐप है म्यूजिकली, जिसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है, तो प्लीज उसको भी डाउनलोड करो यार। ब्रांड्स के साथ सिंपल बस यही फंडा होना चाहिए तुम्हारा, कि तुम्हें उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट यू हैव टू फील कि वो ब्रांड तुम्हारे लिए सही है कि नहीं। डोंट गो आफ्टर द मनी, गो आफ्टर द प्रोडक्ट। उन जो वो लोग बेसिकली जो वो लोग तो बेचना चाह रहे, उसको समझो एंड देन गिव दैट ब्रांड दैट वैल्यू। और चीज बताना चाहता हूँ मैं, एक बहुत ही फन ऐप है म्यूजिकली। टिकटॉक मेरी नाक का वो चूहा है जिसे मैं कितना ही सिनक लूं, बाहर आने को राजी नहीं है। गिव दैट ब्रांड दैट वैल्यू। कैरी भाई बात तो सही है, म्यूजिकली को आपने क्या समझा और क्या वैल्यू दी आपने। मतलब कैरी भाई वो बच्चा है जो बीएससी के अंदर सीएस लेने के बाद बोलते हैं कि यार कंप्यूटर साइंस ही में सब्जेक्ट है। हाँ पर कैरी कभी कॉलेज नहीं गया। कैरी भाई 12th का वो बच्चा है जो साइंस लेने के बाद बोलता है कि साइंस चुपा सब्जेक्ट है, तभी पास नहीं हुआ। अरे यार क्या आप भी कैरी भाई को सुपर चैट भेज के अपने दोस्त को गाली नहीं दिलवा पा रहे? क्या आपकी उम्र भी 18 से कम है और ऑनलाइन शॉपिंग के घर वाले ओटीपी नहीं बताते?
क्या आपको भी कम उम्र में कार्ड रख के अपनी क्लास की रूपाली को पटाना है? इन सभी चीज का सॉल्यूशन है अकूडो। अकूडो इज अ डिजिटल बैंक फॉर टीनेजर। यहाँ पे आपको खुद का पर्सनलाइज वीजा प्लेटिनम कार्ड मिलता है, जिसको तुम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। अमेजन से कैमरा मंगा लो, जोमेटो स्विगी से खाना मंगा लो और सुपर चैट भेज के दोस्त को बुलवा दो। क्या तुम्हें भी चाहिए अपना कार्ड? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, पहले डाउनलोड करो फिर लॉगिन करो एज अ टीनेजर। ऐसे ही पेरेंट्स के से भी लॉगिन करो लेकिन एज अ पेरेंट्स। फिर कुछ सवालों का जवाब देके केवाईसी हो जाएगी, तुम्हारा अकाउंट और पेरेंट्स का अकाउंट लिंक हो जाएगा। बस हो गया। ऐसे ही तुम अपना कार्ड ऑर्डर कर सकते हो जिस पर तुम्हारा नाम और सिग्नेचर भी होगा। अब तुम में से किसी की फट रही होगी कि यार पप्पा के अकाउंट से पैसे कट गए, तो मत डरो यार, अकाउंट बिल्कुल सेफ है बिकॉज इट इज पार्टनर विद RBL बैंक एंड वीजा। खैर इस ऐप को मैं प्रमोट कर रहा हूँ उसका एक और रीजन है, अगर तुम लोग अकूडो को ठीक से यूज करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेंगे, मतलब तुम्हें ECH में ये सब भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो देख क्या रहे हो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। Workout is my pussy. I'm getting ripped tonight. RIP that pussy. I'm going in tonight. क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया, तेरी मिनाटी ने तुमको रोस्ट किया। बहुत जोर से रोस्ट किया भैया, बहुत जोर से। कते कुत्ता हालत कर दी यार, क्या हालत हो गई बेचारे की। देख लो भैया, बहुत जोर से रोस्ट किया। हाँ हाँ, टेंशन नहीं लो तुम, हम देख लेंगे। हमारे YouTube पे 3500 सब्सक्राइबर है पूरे, केरी मिनाटी को हिला के रख देंगे। और उसके 30 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। हाँ तो हिला नहीं सकते तो क्या हुआ, हवा तो लगेगी कम से कम, हवा का झोंका लगेगा। हाँ ठीक है, पर अब शुरू कर दो। हाँ हाँ करते हैं, रुको। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 3 महीने के टाइम पास करने के बाद कैरी मिनाटी ने शक्ल से मासूम नहीं दिखने वाले एक टिकटॉक करके फिर से फाड़ दी। सॉरी यार। खैर इस रोस्ट के बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई है, बहुत बहुत ही गंभीर है। एक काम करो, तुम ही कर लो। नहीं आप भी करो। नहीं, नहीं कर लो यार, एक काम करो, रील बना लो यार, रोना धोना करके एक रील बना दो। सॉरी वर्कआउट इन माय पूजी, आप कर लो प्लीज। हाँ तो इस बच्चे की हालत हो गई है बहुत ही गंभीर। इसका जुर्म बस इतना सा था कि टिकटॉक और रील पे जब ये लड़कियों को ठुमका लगाता देख फेमस होता देख रहा था, तो इसने अपनी शर्ट खोल के अपने निप्पल दिखा दिए। शर्म नहीं आई तुझे? ये अपने हुस्न का प्रदर्शन करके फेमस होना चाहता था। हालांकि हुस्न के नाम पे ये दीपक कला ले, लेकिन अजीबोगरीब हरकतें करके फेमस होने का हक इसे भी है। और इस बात का जवाब हमारी बाहुबली जनता कैरी मिनाटी से जरूर मांगेगी। हाँ तो अब पूछते हैं कुछ जरूरी सवाल। हाँ तो टिकटॉकर महोदय, आप ही बताइए कि हुआ क्या था और किस किस प्रजाति की कैरी मिनाटी ने आपको गालियां दी? देखो गाली हमारा बाप भी देता है, लेकिन बाप की गाली यहाँ पे लगती है, लेकिन जैसे कैरी मिनाटी हमको मादर बोलता है, या लगता है या दिल पे लगता है, दिल पे है। I'm guilty ripped tonight. RIP that pussy. केरी मिनाटी का जैसे ही रोस्ट आया, पूरी गली के बच्चों ने, बोलने के बच्चों ने, दोस्तों ने हमको छक्का बोलना शुरू कर दिया। अब तो RIP that pussy. केरी मिनाटी के फैंस ने इन्हें छक्का कहा और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। यार कैरी मिनाटी के फैंस कैसे हैं यार? कैरी भाई, अगर तुझे यही जानना है कि तेरी ऑडियंस कितनी लेम है तो मुझे देख ले। कैरी भाई, स्कूल में टीचर ने मेरे से पूछा कि हु इज द फादर ऑफ अवर नेशन, मैंने भी कह दिया कैरी भाई। कैरी भाई, एक बार मम्मी ने गाली देते पकड़ लिया, बोलती कि यार गाली देने से क्या मिलेगा, मैंने कह दिया एशिया का टॉप यूट्यूबर बन जाऊंगा।
जल्दी जल्दी से दूध पी लेता हूँ, फिर कैरी भैया जिनको रोस्ट करेंगे उनको छक्का भी तो लिखना है। जल्दी जल्दी दूध पी लेता हूँ, फिर कैरी भैया की स्ट्रीम में जाके लोकेन को चूतिया भी तो बुलवाना है। हाँ, दूध पीते बच्चे जरूर है, लेकिन अगर कैरी किसी को या कैरी को कोई रोस्ट कर दे तो ये बच्चे